हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे हो। तो आज के इस ब्लॉग में आ चुके हैं हम सासाराम, और सासाराम के अभी हम तारापीठ चंडी में आ चुके हैं, जहाँ पे मतलब सती का दहना मतलब नेत्र गिरा था, और इसी से यहाँ का नाम है तारापीठ। और मेरे साथ है अभी उदयगिरी जी, जो अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं इस पूरे मंदिर परिसर को, और बताने वाले हैं वो क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और क्या क्या चीज़ समझने को मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ यहाँ से सीख मिलने वाला है मुझे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है, जो कि यहाँ पे सती का दाहिना नेत्र गिरा था, और उसी के नाम से यहाँ पे तारापीठ नाम पड़ा है। तो अब बाकी आप एक्सप्लोर करेंगे। रतन जी जो अभी आप बताएंगे इसके बारे में, मंदिर के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले इधर फोटोज बहुत सारे लगे हुए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इधर ये सब तस्वीरें जो है, ये सब प्रथम पूज्य है गणेश जी। वो तो हाँ, पूजा में गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, पूजा होती है। हाँ जी, हाँ, पंचम स्कंद मातेति जी जी, षष्ठम कात्यायनी च जी, सप्तम कालरात्रि जी जी, महागौरी, नवम सिद्धिदात्री च जी, नवदुर्गा प्राकृतिका जी। ये दुर्गा सप्तशती में है, नौ का रूप, नौ मतलब जो भी जब हाँ, दुर्गा पूजा होता है तो उस समय हाँ, नौ रूप जो देखा जाता है वो नौ रूप यहाँ पे मतलब एक हाँ, ये लाइन से वो तस्वीर देखने को मिल जाती है, अंकित है हाँ, यहाँ दीवार में वो सारी चीज़ को मतलब निखारी गई है, और ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको एक क्लास। ये फिलहाल मैंने 3 साल पहले की है, मतलब करेंट में ये डेवलप हुई है। और माता का स्थान जो है वो और आगे है, माता का स्थान जो है मेन जो जहाँ शक्तिपीठ है वो थोड़ा सा और आगे है, मगर ये जो है मतलब नवदुर्गा, जब जानते हो दुर्गा पूजा में जब ये सब चीज़ों की जब बातें होती है तो उस समय सब ये सारी चीज़ें याद आ जाती है कि वही सब चीज़ों को मतलब निखारा गया। मुझे ज़्यादा नहीं 3 साल हुआ है। और जो मेन जो दर्शन करना है मतलब जो माता तारा चंडी है उनके पास अभी चलेंगे, जिसके लिए ये यही होगा मुझे लग रहा है। ये माँ तारा चंडी के अंदर एंट्री करने वाला मेन मुख्य गेट है, और इस गेट से जब एंट्री करेंगे तो माँ तारा चंडी के मतलब शरण में आप पहुँच जाएंगे। यहाँ माँ तारा चंडी देखने को मिलेंगे आपको, थोड़ा सा साइड होंगे क्या, और माँ तारा चंडी सामने देखने को मिलेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं बाबा। ये उस समय की कहानी है जब राजा दक्ष की कन्या सती जो थी जी, अपने पिता के अपमान से जी जी है ना, यज्ञ में अपमान से अपने आप को अग्नि कुंड में भस्म कर ली थी, और भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन द्वारा चलाए गए सुदर्शन चक्र से माँ सती का जो अंग गिरा था उसमें यहाँ दाहिना नेत्र गिरा था, जिनका नाम तारा पड़ा जी जी। और परशुराम ने जिस समय सहस्रबाहु का वध किया है ना, यहाँ ये सहस्मती है। ये सत्युग की नाम जो है सासाराम नहीं था, ये सहस्मती है। ये धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते सहस्राम हुआ है ना। इसका नाम पहले सासाराम नहीं हुआ करता था। सतयुग में ये सहस्मती नगरी था जी, जो जिसका शासन करता सहस्रबाहु थे है ना। ये अपभ्रंश होते होते सहस्त्र अर्जुन के नाम से वो प्रसिद्ध थे, और सहस्राम के नाम से चेंज हुआ, फिर अपभ्रंश होते हुए सासाराम हो गया। तो धीरे धीरे ये चीज मतलब हाँ, जब ये शक्तिपीठ आई हाँ, तब ये नाम में बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिला धीरे धीरे। उसी समय से धीरे धीरे मैंने सहस्रबाहु के वध होने के बाद है ना, नाम अपभ्रंश में चलता गया। जब जिसको जैसे आया वैसे वैसे अपना नाम चेंज कर उसके बाद फाइनली इसका नाम सासाराम पड़ गया। उसी समय से सासाराम लोग जानने लगे। उसके बाद जो है यहाँ सहस्रबाहु जो है बहुत भक्ति और भाव से पूजा करता था, और नीचे आदि गणेश है, नीचे आदि गणेश देखने को मिलेंगे आपको। इसलिए कि मांस जो है हाँ, इनकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति का मतलब कि जहाँ अंग गिरा जगदम्बा का वहाँ साक्षात प्रकट होती है हाँ। तो उस समय जब प्रकट हुई तो ये बालिका स्वरूप थी, मतलब छोटी बालिका स्वरूप थी। और उसी समय जो है अपने साथ गणेश को लेकर के आए, गणेश भी है। इसलिए है कि माँ पर सिंदूर चढ़ता है, माँ पर सिंदूर चढ़ता है, और बालिका स्वरूप जो लड़की या बच्ची होती है उनको सिंदूर नहीं लगाया जाता। उनके चरण में भले हम सिंदूर चढ़ा सकते हैं, लेकिन सर पर सिंदूर नहीं लगाया जाता है, इसलिए कि सिंदूर की वो अधिकारी नहीं होती है। इसलिए गणेश जी को लेकर के आई, और गणेश जी नीचे हैं, गणेश जी पर ही यहाँ सिंदूर चढ़ता है, और सिंदूर चढ़ाया जाता है और चढ़ा के सुहागिनियों को दिया जाता है और जगदम्बा को स्पर्श कराया जाता है। सिंदूर माँ को नहीं चढ़ता है, गणेश जी को चढ़ता है। और उस सहस्रबाहु का वध जब किए परशुराम जी, तो परशुराम जी द्वारा वध करने के बाद जब परशुराम जी स्तब्ध हो गए और शांत हो गए, जब शांत हो गए तो उस समय माँ का दर्शन किए और पूजन किए। जब पूजन वगैरह कर लिए तो माँ से बोले कि हे जगदम्बा, आप तो यहाँ हैं तारा के नाम से, लेकिन आप बालिका स्वरूप हैं, इसलिए आपके नाम के साथ चंडी मैं जोड़ देता हूँ, है ना। तो उसी समय चंडी का नाम इनका जुड़ा कि बालिका स्वरूप है, इसलिए चंडी नाम, हाँ नाम जोड़ दिए। तो उसी समय से तारा चंडी नाम पड़ गया। मतलब ये साड़ी, मतलब पहले यहाँ मूर्तियाँ हुआ करती थी, औरंगजेब जो मतलब तोड़ दिए, डिस्ट्रॉय किया हुआ मूर्ति, मतलब उसमें सैंपल में रखा हुआ, सैंपल टाइप में यहाँ रखा हुआ। औरंगजेब जब तोड़ दिए थे तो उस समय कुछ मूर्तियाँ के सैंपल यहाँ पे रखा हुआ। अभी हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे मतलब माता का मूर्त है नीचे, और उसके ऊपर जो गुम्बज बना हुआ है, ये पूरा गुम्बज, ये पहले मतलब जैसा ये बता रहे हैं कि मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था और ये केवल मतलब मस्जिद हुआ करता था यहाँ पे। मतलब एक मस्जिद भी यहाँ देखने को मिलेगा जो कि अंग्रेज औरंगजेब के शासन का है, मतलब औरंगजेब के शासन का है। ये मस्जिद हुआ करता था और ये मतलब गुम्बज नहीं हुआ करता था। ये मतलब 18 के बाद मतलब ये गुम्बज आया, तो उससे पहले मतलब यही देख के लोग कहते थे मतलब माता का दरबार है, मतलब ये मस्जिद देख के। और ये मस्जिद में आज तक नमाज नहीं पढ़ा गया, इसके बारे में बताएं कि नमाज क्यों नहीं पढ़ा गया। ये जब जिस समय मंदिर तोड़ने आया जी, तो जगदम्बा के मूर्ति को जब तोड़ने लगा, सर पर वार किया गया छेनी और हथौड़ी से जी जी। तो उस छेनी और हथौड़ी से वार जो किया ना जी जी, तो माँ का यहाँ फूटा मस्तक पर, मस्तक अच्छा ठीक है फूट गया, इतना बड़ा पत्थर निकला। तो पत्थर में से ब्लड चलने लगा जी जी, है ना। ब्लड जब आया तो छेनी हथौड़ी तोड़ने वाला जो था वो भागा। तो जब बाहर निकला तो बाहर जो इतनी मूर्तियाँ थी उसको तो तोड़ दिया था लोग, मतलब वही टूटा हुआ कुछ भी देखने को मिलता है तब हाँ। तब उसके बाद में जो है माँ जो है, जो उसका मंत्री था अच्छा, औरंगजेब का जो मंत्री था अच्छा, हाँ। है ना, उसको जो है स्वप्न में दी कि अरे दोस्त तुम हमको तोड़ने आए हो, मैं तुझे बर्बाद कर दूँ, है ना। तो जब सुबह में उठा तो देखा का कि जितने सैनिक थे जी, सबको उल्टी और दस्त शुरू हो गई। अच्छा, जितने सैनिक जो तोड़ने आए थे हाँ, जो तोड़ने आए थे जी, है ना, उनको सबको उल्टी दस्त शुरू हो गई। तो वो घबरा गए। घबराने के बाद दिल्ली हस्तिनापुर जो है आज दिल्ली, जहाँ अंग्रेज लोग रहते थे और रहा करते थे हाँ। वहाँ सूचना गई औरंगजेब को, तो वहाँ से स्वयं वो आया और आया तो जब दिन भर चला, रात में यहाँ पहुँचा। रात में पहुँचने के बाद जो है वो अपना रात में सोया। जगदम्बा स्वप्न दी कि अरे दुष्ट, तुम हमें तोड़वाना चाहते हो, मैं चाहूँ तो तुझे आज ही ख़त्म करा दूँगा, है ना। तब उसके बाद में सुबह उठा और आया, बोला कि हे जगदम्बा, मैंने बहुत जगह गया, बहुत सी मंदिरों को तोड़ा, बहुत सब किया, लेकिन हमें कहीं ऐसा एहसास नहीं हुआ। इसी के चलते जो है एक स्थान कम से कम हमें दे दीजिए ताकि पहचान मैं बना दूं। तभी भी जगदम्बा उस समय भी बोली कि तुम बना तो दोगे लेकिन उसमें नमाज अदा नहीं किया जाएगा। कारण ये था कि जब बनने लगा तो उसको दिशा का ज्ञान नहीं मतलब भ्रष्ट हो गया, माइंड बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जो है उत्तर दक्षिण का ये मस्जिद उत्तर दक्षिण है, जो कि नहीं होते हैं, इसलिए इसमें नमाज नहीं पढ़ी। मतलब मती भ्रष्ट कर दिए उन लोगों की, जगदम्बा की कृपा से मती भ्रष्ट हो गए। मतलब फाइनली यही था जो कि मैं आपको बताया, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो माँ तारा के पास में आया था, और ये सासाराम में है, जो कि मैं बता दूँ पर सासाराम स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी है। बस स्टैंड से भी ले तो 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप आएँ तो दर्शन करें, बहुत मतलब शांतिमय जगह है और एक अलग टाइप की वेव फील होने वाली है यहाँ पे। फाइनली यही था जो भी था, मैंने एक्सप्लोर किया, दिखाने की कोशिश की, दर्शन करवाया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। मिलते फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।